किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम पर जोर डालने के लिए, जोर डालना एम्फसाइज EMPHASIZE, या ले स्ट्रेस ऑन LAY ले स्ट्रेस STRESSON, जोर डालना। स्ट्रेस भी प्रयोग में ला सकते हैं, स्ट्रेस का मतलब भी जोर डालना होता है। ये तीन शब्द आप जान गए, एम्फसाइज ले स्ट्रेस ऑन और स्ट्रेस, इन सब का मतलब होता है जोर डालना। किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम पर जोर डालने के लिए एक पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है जिसे इट कहते हैं, और तब इट का अपना कोई अर्थ नहीं होता। इट को इसीलिए एम्प्टी सब्जेक्ट कहा जाता है, एम्प्टी मीन्स खाली। इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहा जाता है, प्रारंभिक कर्ता, आधारभूत कर्ता। एनीवे, मुख्य बिंदु पर आते हैं। किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम पर जोर डालने के लिए कर्ता के रूप में हम इट का प्रयोग करते हैं, तब इट का कोई अर्थ होता है। इस तरह जब हम किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम पर जोर डालेंगे तो वो या तो कर्ता के रूप में होगा जिस पर जोर डाला जाएगा, या तो कर्म के रूप में होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ही हूं। अब इसके दो अनुवाद हो सकते हैं, इट इज आई, इट इज मी। वही है, इट इज ही, या इट इज शी। या कर्म के रूप में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज हिम, इट इज हर। अब कब कर्म के रूप में रखेंगे उस संज्ञा सर्वनाम को जिस पर जोर डाला जा रहा है, और कब उसे कर्ता के रूप में रखेंगे, यही समझना है। अब बहुत सामान्य सी बात है, जब जोर डालने वाला जो सर्वनाम है उसके बाद क्लॉज निर्मित होगा, क्लॉज, तो ये कर्ता के रूप में रहेंगे नॉमिनेटिव केस में। और नॉमिनेटिव केस पर्सनल प्रोनाउन का कल मैंने बताया है, आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, शी शी इट दे थर्ड पर्सन, और साथ में ये भी बताया था कि ही शी इट तीनों का प्लूरल जो होता है वो होता है दे, आई का प्लूरल होता है वी, कल बताया था। ये कर्ता कारक हैं। अब कर्म कारक क्या है, आई का कर्म मी, वी का कर्म अस, यू का कर्म यू ही होता है, ही का कर्म हिम, शी का कर्म हर, इट का कर्म इट ही होता है, और दे का कर्म देम, ये कर्म है। तो जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम पर जोर डालेंगे वो या तो कर्ता के रूप में होगा या तो कर्म के रूप में होगा। इट इज ही, इट इज हिम, इट इज आई, इट इज मी, इट इज शी, इट इज हर। और जब जोर डालेंगे आप तो ध्यान ये रखना होगा, यदि जोर डाले गए सर्वनाम अथवा संज्ञा के बाद क्लॉज बनेगा तब तो ये नॉमिनेटिव केस में रहेंगे, कर्ता के रूप में रहेंगे, और यदि क्लॉज नहीं होगा तो ये कर्म के रूप में रहेंगे। थैंक यू। जो मैंने बताया है उसको जस्टिफाई करने के लिए मैं इनके उदाहरण अलग अलग करके कर्ता के रूप में फिर कर्म के रूप में दिखाते हुए आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेषित कर दूंगा और आपको सब समझ में आ जाएगा।